भारत, भारत भूमि का इतिहास ऐसे ऐसे वीरों के स्वर्णिम इतिहास से प्रफुल्लित हो रहा है, जो भारत माता की रक्षा के लिए लाखों देशवासियों की प्रेरणा बनकर उनके विचार आज भी युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा वीर महापुरुष छत्रपति वीर शिवाजी, जिनके नाम के बोलने से हृदय धमनियाँ भी झंकृत हो जाती हैं। एक अभेद्य किला गोलकुंडा किला कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। इन्हीं घटनाओं में से एक जब चारों तरफ दुश्मन सेना ने पूरे किले को घेर रखा था, मानो ऐसा लग रहा था कि दुश्मन सेना इस किले को रौंद ही डालेगी। लेकिन उस सेना को क्या पता था कि उन्होंने किसको कमजोर समझने की भूल की है। वो नाम जिसको अगर कोई सपने में भी सोच ले तो दुश्मन कांपने लगते हैं, और जिन्हें कुछ सीखना है वह जोश से भर जाते हैं। 13वीं शताब्दी काकती राजाओं ने इस किले का निर्माण कराया एवं कुतुबशाही राजाओं ने 1525 के आसपास इसका पुनर्निर्माण कराया। यह किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित है। मित्रों, कई राजाओं ने अपने छुपने के लिए, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किले बनवाए। इन्हीं में से गोलकुंडा किला हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। क्या आप जानते हैं इस किले में कुछ गुप्त सुरंग हैं जो दरबार हॉल से शुरू होती हैं और महल तक जाती हैं। इसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। औरंगजेब एक ऐसा नाम जो मंदिरों के विध्वंस और अत्याचार के लिए जाना जाता है। उस समय इसकी सेना ने गोलकुंडा किले पर भी कब्जा कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी, और इसी की बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने इसकी नाक में दम कर दिया। वीर शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठा औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे। वीर शिवाजी तो नहीं रहे, पर उनकी धाक आज भी सुनी जा सकती है। ऐसे योद्धा जो धरती पुत्र हैं, जो माँ भारती पर अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वे अमर हो जाते हैं। मित्रों, ये थी वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिवाजी, जय हिंद, जय भारत।